नॉर्मली इट टोटली डिपेंड्स, आप तीन तरह की इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं. एक तो होते हैं फिक्स एंड फ्लिप, वी कॉल इट फिक्स एंड फ्लिप. फिक्स एंड फ्लिप इज दिस कि आपने एक जगह लिया, आपको लगा कि यार जगह सस्ती लग रही है, इसको थोड़ा बहुत मैं रेनोवेट करूँगा, अपार्टमेंट है, कोई बिल्डिंग है, कुछ है, या प्लॉट है, मैं थोड़ा खूबसूरत दर में लैंड खरीद ली, उसको मैंने जनाब मार्क करा दिया, क्लियर करा लिया, उससे भी लैंड की वैल्यू बढ़ जाती है. तो यू फिक्स एंड फ्लिप दैट प्रॉपर्टी एंड यू अर्न द मनी आउट ऑफ इट. सेकेंड इज यू गो फॉर यू नो शॉर्ट टर्म होल्डिंग्स, मीडियम टर्म होल्डिंग्स, एंड देन यू गो फॉर लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स. एज एन इन्वेस्टर यू हैव टू गो फॉर ऑल थ्री एंड एवरी at all option. This depend करता है, are you a full time investor or you a short term investor, or आपने जो है वो एक passive income के तौर पे use करना. सबसे important बात तो ये है, the only investment, हम real estate के बारे में क्यों बात करते हैं, real estate के बारे में इसलिए बात करते हैं, real estate एक वाहिद investment है which you can do technically without spending a lot of time. रात को आपने गिरा के उधर खेत तो नहीं बोना, ठीक है ना, stock market में जाएंगे, फॉरेक्स में जाएंगे. यार मुझे याद है मैं सारा सारा दिन ऐसे बैठा रहता था कंप्यूटर के सामने कि अच्छा अभी क्या हो गया, अभी क्या, जब शुरू शुरू मैंने किया ठीक है, बाद में समझ आया कि यार अच्छा किस तरह करना है क्या करना है. किसी भी मार्केट के अंदर आप जाएंगे, भैया बिजनेस करता है, टेक्सटाइल की मिल खोल दें, शुगर मिल में चले जाएँ, कोई और इंडस्ट्री में चले जाएँ, रिटेल शॉप में चले जाएँ, एनी थिंग, इट डिमांड्स टाइम फ्रॉम यू. एंड इन माई ओपिनियन स्मार्ट इन्वेस्टर के लिए टाइम इज इक्वल टू सही है ये बात. Time is equal to money. तो what happens? The only thing where you can make money without spending time, like to own it. हमारी ये over a period of centuries and you know all along सबसे इंसान आया है दुनिया के अंदर, उसके जहन के अंदर property buying जो है वो एक asset है, मैंने अपना घर लग लिया. Especially you know it's very applicable in terms of women. Every woman wants to have her own nest. Plus, ये मैंने जो होता है कि बच्चे हैं, हमें कुछ हो जाएगा कि इसके बाद तो बच्चों के पास कुछ छत हो. This is what पर ये ऐसा खाली पाकिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में. ये कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं. आप उधर चले जाएं, वो लोग भी स्ट्राइव करते हैं. सबसे पहले पैसे आते हैं घर, जॉब अच्छी आई, मॉर्गेज करा ली, घर लिया, सो बाद में बाकी चीजें आती है. सो पॉइंट ये है कि रियल एस्टेट जो है वो एक फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट है, और वो इन्वेस्टमेंट गलत होना बहुत रेयर है. और जिस तरह लाहौर एक्सपैंड कर रहा है, मुझे जाना सब बता रहे थे कि जिस तरह आगे जा रहा है, तो अगर आप कोई भी चीज़ ले लें तो इन्वेस्ट इन करके छोटे से स्टार्ट करें, क्या सिलसिला है, क्योंकि लोगों के द्वारा तो अच्छा. अच्छा, यू नो इन्वेस्टमेंट्स जो है ना तीन तरह की हैं. एक इन्वेस्टमेंट ये है जो आपको एंड यूज़र को चाहिए. एंड यूज़र को ये चाहिए कि यार मैंने घर लेना. तो इफ़ यू वांट टू बिल्ड अ हाउस, टोटली अ डिफरेंट सिनेरियो फॉर यू. इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट मनी एंड मेक मनी आउट ऑफ इट, देन टोटली अगेन अ डिफरेंट सिनेरियो. जिस जगह पर आप इन्वेस्ट करें वो प्रॉब्ली मे नॉट बी गुड फॉर लिविंग, जिस जगह पर आप रहना चाह रहे हैं वो प्रॉब्ली मे नॉट बी गुड फॉर इन्वेस्टमेंट. And to find a mutual balance is actually very important and sometimes very hard. मेरे पास पिछले दिनों एक हमने बनाई भी थी वीडियो कि normally लोग मेरे पास आते हैं सर और कहते हैं जी कि घर लेना है. मैं उनको कहता हूँ यार इसमें ले लो, ये फलानी जगह पे करो. कहते नहीं नहीं यार इधर नहीं लेना, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसकी लैंड की वैल्यू अप्रिसिएशन कब हो. क्योंकि मेरे ख्याल के अंदर मेरी सजेशन हमेशा ये होती है कि फ़र्क पड़ता है, बिकॉज होम इज़ वन ऑफ योर बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट्स इन मेकिंग. तो अभी इस वक्त अगर हम बात करें ओवरऑल लाहौर की, लेट्स नॉट गो आउट ऑफ स्कोप को ज़्यादा इस तरह व्यास ना करें, तो लाहौर के अंदर वी कम डाउन टू DHA लाहौर एज सच. ठीक है, DHA लाहौर के अंदर जो प्रॉपर्टी वैल्यूज़ हैं वो मेच्योर एरियाज को और अंडर डेवलप्ड एरियाज को आप अलहदा अलहदा कर लें. सिंपल थम रूल, एक साइड पर आप मेच्योर एरियाज रख लें, एक साइड पर आप अंडर डेवलप्ड और इमेच्योर एरियाज रख लें. बल्कि इनको थ्री कैटेगरीज में कर लें. वन इज मैच्योर प्रॉपर्टीज, सेकेंड इज आप इसको इमैच्योर कर लें जो भी आप, और थर्ड इज अंडर डेवलप्ड. अंडर डेवलपमेंट आप कर लें बेशक इसको. मैच्योर एरियाज के अंदर आपको जो है वो सबसे कम प्रॉफिट मिले. इसी तरह
मैच्योर एरियाज कौन कौन से हैं? एनीवन हैज एनी आइडिया? रेचल और का नहीं आइडिया होगा? फेज 1 टू फेज 5 किया जो सारे बिल्ड हो चुके हैं, जो बिल्ड हो चुके हैं, यहाँ पे घर बैठ बन गए हैं, चीजें बन गई हैं। फिर दूसरा रीजन ये है कि फेज 1-4 की जो डेवलपमेंट है वो भी थोड़ी सी एक पुराने स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हुई है, छोटी रोड्स हैं, ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं। तो फेज 1-5 आप फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस जीरो, फॉर एंड यूजर पर्पस यस। आप आगे नहीं जाके रहना चाहते यार, कहते फेस है, मैं पीछे में जाके रहूंगा, कैसे रहूंगा, अकेला नहीं रह सकते। यू आर सोशल एनिमल, एवरी ह्यूमन बीइंग वी वांट टू लिव यू नो नियर अदर पीपल। कोई भी घर से बाहर निकले या मार्केट हो, सिनेमा देखने चले जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ये एक्चुअल जो मार्केट जो प्ले करती है वो ये चीज़ें हैं, यहाँ तक लाना होता है। किसी भी प्रॉपर्टी को जब परचेज करते हैं तो यू हैव टू वेट टिल हियर, गेन द मैक्सिमम वैल्यू आउट ऑफ इट। थोड़े से जो इमैच्योर एरियाज है इसके अंदर मैं आपको कहूँगा फेज 6, 7, 8 जहाँ का पोजेशन आ चुके हैं लेकिन अभी घर बन रहे हैं, इनटू सेकंड फेज। आज से 5 से 10 साल के बाद ये एरियाज इधर इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। अंडर डेवलप्ड के अंदर आप चले जाते हैं, अंडर डेवलप्ड में आपके पास जो है वो 8 ZIV ग्रीन है, 9 PRISM है एंड फेज 10 है। लॉन्ग टर्म में ये सबसे ज्यादा प्रॉफिट देके जाएंगे आपको, ठीक है। अब इसके अंदर अगर आप बात करें, यू हैव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी स्टार्टिंग फ्रॉम 3 million व्हिच इज नॉट अ ह्यूज अमाउंट। मैं एग्जांपल देता हूँ, फेज ये मैच्योर प्रॉपर्टी इस वक्त 5 मरले का प्लॉट है, 5 मरला कितने का? 1.25 करोड़ रुपए का, 1 crore 25 lakhs। यहां पर कितने का किसको ना बंदा काम करता है, ठीक है। यहां पर आपको जो है 6 में तो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, बट 6-9 million यहां पर क्या है, यहाँ पे अगर आप जाएंगे अब तो फेज 10 के अंदर भी इसको 10 मरला नहीं है, लेकिन अगर होगा भी 5 मरला जो है वो आप इसे मिले के 2.5-4 million। सो कैन यू सी द जंप्स, जब यही प्रॉपर्टी कन्वर्ट होगी इमेच्योर प्रॉपर्टी, जब पोजेशन आ जाएगा फ्रॉम देयर वंस इट विल गो टू मेच्योर प्रॉपर्टी, और उसकी टाइम ड्यूरेशन क्या है, इन सबकी टाइम ड्यूरेशन अलग अलग है। और ये आज की स्टैंडिंग में हम बात कर रहे हैं, वी आर नॉट काउंटिंग फॉर के 20 इयर्स डाउन द रोड ये 5 मरला जो है ये 1.25 करोड़ का नहीं होगा, ये 5 मरला शायद 2.5-3 करोड़ रुपए का होगा। जब ये कैलकुलेशन हम करते हैं ना तो समझ नहीं हो नहीं सकता, यू नो द सेम थिंग हैपेंड बिफोर अस एज वेल टू द प्रीवियस जनरेशन। जब उनको बताया जाता था कि 4 लाख रुपए का प्लॉट है फेज 5 के अंदर ले लो, वैसे तो नहीं हो ही नहीं सकता, बट अगर 20 इयर्स फास्ट फॉरवर्ड करें और आज की तारीख में आ जाए तो वो 3 करोड़ रुपए का है। तो हम सिर्फ और सिर्फ अगर हमने अंडरस्टैंडिंग करनी है कि इस प्राइस ने कहां पे बढ़ना है, तो आप सिर्फ ये इमेजिन कर लें कि आज के दिन इस प्रॉपर्टी को आप मैच्योर कर देते हैं, आज के दिन रात को सुबह उठते हैं जादू, यू नो इमेजिन यू आर हैरी पॉटर और आप सुबह करते हैं, बिकम्स अ मैच्योर प्रॉपर्टी, व्हाट हैपेंस, इट शुड बी दिस प्राइस। सो दिस मींस दिस इज वेयर यू शुड इन्वेस्ट, राइट। टाइम इंटरवल्स मैटर करेगा, फिर क्या है, देन कम्स द स्मार्टर थिंग टू डू। अच्छा यार ये 3 साल शायद अभी नहीं बढ़ेगी, लेकिन मैं 3 साल में देख रहा हूँ कि ये 6 से ये वाली जो 6 की है ना ये 9 की हो जाएगी। तो व्हाट यू डू, आप पहले इधर आते हैं, मेक इट 9, देन यू सी इसका अगला साइकिल आने वाला है, यहाँ से आप उठाते हैं
तीन ये 3x3 यानी 3 मिलियन ईच, तीन यहाँ पे उठा लेते हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही सेफ खेलना चाहते हैं पीपल, लाइक मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जो अमेरिका से हैं, उनका ताल्लुक यू नो, दे कम आफ्टर 5 years 7 years। एक बंदा आया मुझे फोन है, 38 years सर, इज नेवर बीन टू पाकिस्तान फॉर 38 years। अब जिस बंदे को 10 से 20 साल की आप बात कर रहे हैं, उसको मैं ये नहीं पिच कर सकता, दिस इज नॉट गुड फॉर हिम। जो बंदा इधर बैठा हुआ है लाहौर में, ज़ीशान साहब हैं, आप लोगों में से जो लोग हैं जो इधर बैठे हैं रनिंग में रख सकते हैं, फॉर देम दिस इज प्रोबेबली द बेस्ट इन्वेस्टमेंट राइट नाउ। वो एक हमारी बात थी व्हेन वेयर एंड हाउ, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हेन वेयर एंड हाउ। और अगर आपने सिर्फ लेमैन के रूल पे चलना है, यू जस्ट वांट के यार मैंने नहीं इतना सोचना कि अगर मैं जनरेटर पढ़ा तो पहले ये लूँ, पता नहीं होना, चुप करके यहाँ पे रख के 10 साल के लिए बोल रहे हैं। ये मैं आपको शर्तिया बताता हूँ, ये जो 3 मिलियन आपको नजर आ रहा है ना, ये 30 मिलियन होगा 10 साल के बाद। जिनका हो जाएगा 30 मिलियन वो बेच लेंगे, बाकी लोग कहेंगे यार तब ले लेते, अब तो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये साइकिल चल रहा है, पिछले 70 साल से ये साइकिल चल रहा है।